सावन में सोमवारी पर बड़ा हादसा हुआ है। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान भगदड़ मच गई। 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भगदड़ कैसे मची? जो लोग घायल हुए हैं उनको जहानाबाद के सदर अस्पताल में लाया गया है, यहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अभी एक्सरे हुआ है, एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं। पूरे मसले पर हम परिजनों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई। वैसे कहा जा रहा है कि भगदड़ मच गई, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था भी वहाँ पर थी नहीं, इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। और सावन है और सोमवार है इसलिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। ये बताइए जो एडमिट हुई है कौन है आपकी पत्नी? हुए आपका क्या नाम है, उनका क्या नाम है? गोविंद प्रसाद, उनको फूलमंती देवी नाम है। अच्छा, कैसे ये घटना हुई, आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है? जैसे ऊपर जल अभिषेक के लिए जा रहे थे, 2-3 सीढ़ी नीचे थे तभी ऊपर से ठेला ठेली हो गया, कोई वहाँ नियंत्रण करने वाले नहीं थे इसलिए भगदड़ मचा, तो मैंने इधर उधर दौड़ में गिर पड़े, इसमें चोट आ गया। उसी में कुछ लोग जैसे चुराधंग आ गए, ढेरे आदमी मर गए। लाठी चार्ज भी किया गया था? नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, लाठी चार्ज तो बाद में हुआ। अच्छा, मतलब लंबी लाइन लगी हुई थी, उसी दौरान भगदड़ मच गई, सब सोए हुए थे, कोई नहीं वहाँ पर देख रेख करने वाले थे। पुलिस कर्मी की संख्या कम थी या ज्यादा थी? कम थी, मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो थी नहीं। नहीं, पुलिस तो सब सोए हुए थे, और जो माइक में अनाउंस करते रहते हैं वो लोग भी सोए हुए थे, कोई नहीं थे वहाँ। अच्छा, भगदड़ हुई तब उसको रोकने के लिए लाठी चार्ज? हाँ, तब सब जागे, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ नियंत्रण करने के लिए, और भगदड़ मच गया। जिसमें और रेलिंग वेलिंग सब टूट गया, मतलब लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ, फिर यहाँ पे तुरंत ला इलाज, अभी ठीक है जी। देखिए जो महिला भर्ती हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, फूलवंती देवी नाम है इनका। माता जी, क्या आप लाइन में लगी हुई थी? हाँ। कैसे क्या हुआ? लाइन में 3-4 खीरी चढ़ल हल न, पाछे आगे से सब ढकेल दे, लेकिन जो सब ले ले ले, ले नीचे बैठ गए, सब हमने पर गिर गए एकदम पूरा, जो सीढ़ी पर कम दिल सब एकदम पूरा जोर से ढके दिल के, 3-4 गो लेकर एकदम, उसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। हाँ, धक्का धुकी होवे लगले, पूरा मच गए हल्ला एकदम, भगदड़ मच गया, लाठी चार्ज भी हुआ। हाँ, लाठी और चार्ज हो, लाइन में लगल है से सब बेचे वाला लाठी चलावे थे। जो व्यवस्था रहनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं थी? नहीं, कोई पुलिस नहीं, पीछे खानी आए पुलिस, सब कोई नहीं था, एक पट्टी लाइन औरत के, एक पट्टी मर्दाना के, प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ आपको लगता है? हाँ, अल्लाह, वो जनानी वाला में ढकेल दिया एकदम झोंका मार के। क्या नाम है? फूलवंती देवी। हाँ, तो देखिए काफी कम संख्या में वहाँ पर पुलिस कर्मी थे, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था थी नहीं, ऐसा जो लोग घायल हुए हैं उनके तरफ से, उनके परिजनों के तरफ से कहा जा रहा है, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपको बता दें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आज सावन की सोमवारी है तो रात से ही लाइन लगने लगी थी, उस दौरान जो है ये बड़ा हादसा हो गया। वैसे प्रशासन का ये कहना है कि अब हालात जो है वो नियंत्रण में है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, जहानाबाद। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।